वहाँ के कॉकरोच हो गए थे खत्म। हाँ यार चलो वहाँ भी आते हैं अभी थोड़ी बहुत। हेलो माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। स्वागत कर रहे हैं आपका एक और नए ब्लॉग के साथ। और शुरुआत है ब्लॉग की। आज ये 9:30 बजे का टाइम है। नहाना धोना सब कुछ हम कर चुके हैं, बच्चों को भी और सबको। और उसके बाद नाश्ते के बर्तन और किचन की थोड़ी बहुत सफाई कर रहे हैं, हम दोनों कर रहे हैं आजकल। हम दोनों हैं देवरानी जेठानी, और दो लोगों में काम बंट जाता है और जल्दी हो जाता है और बातें भी हो जाती हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ें रहती है। और इस टाइम भी हम यही कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। और वो बर्तन धो रही है और मैं साफ़ कर रही हूँ गैस चूल्हा इंडक्शन और डब्बे वगैरह जो स्लिप में ही रखे रहते हैं, गंदे हो जाते हैं। और इस तरीके से तो बातें भी कर रहे थे हम कुछ, क्योंकि ऐसे बैठ के गप्पे मारने का इतना टाइम नहीं मिलता है। बच्चे हैं फिर काम है, इतना नहीं मिल पाता है कि बैठ के बातें करूं। थोड़ा बहुत मिल जाता है, वो भी कर लेते हैं। काम करते करते भी करते हैं बातें ज़्यादातर, और काम निपटा रहे हैं फटाफट, क्योंकि उसको कहीं जाना है मार्केटिंग, और मेरे को भी शिवांश को डॉक्टर के पास ले जाना है। तो इसके लिए हम फटाफट निपटा रहे हैं दोनों ही, वरना किचन में दो लोगों की वजह से ज़्यादा जगह होती नहीं है। छोटा किचन है, अगर एक जना कुछ काम कर रहा है तो दूसरे को बाहर ही वेट करना पड़ता है। लेकिन कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, हम साथ में भी काम कर लेते हैं और एक एक करके भी कर लेते हैं। और अभी वो कुछ पूछ रही थी मुझसे कि बोल ऋषिकेश वाले नल में बोला कम पानी आता है, इसमें ज़्यादा प्रेशर में आ रहा है और वहाँ बर्तन धोने में भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं बोल रही थी उसको कि मैंने कहा चेक करके करो कि जाली रहती है नल में लगी हुई नीचे, तो जाली निकाल दो, क्योंकि यहाँ के सभी नल की जाली निकाल रखी है, क्योंकि पहले कम आता था तो जाली रहती है नल पर लगी हुई, तो वो हम निकाल दी थी मैंने। इसके पापा ने निकाली कुछ नल से, अब तक उसके बाद प्रेशर में ही आता है पानी। तो ऐसे ही बता रही थी मैं उसको भी, उसे नहीं पता था कि मैंने यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ है। तो बाद में देख रही, एक दो बार देखा कि शायद दीदी ने फ़ोन रखा हुआ है और कैमरा चालू है, क्योंकि मैंने कहा स्पेशली उठा के बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो साइड में अगर कैमरा चालू करके रख लो और ऐसे ही बना लो, अच्छा लगता है काम करते करते भी और बातें भी हो जाती हैं। बस यही चलता रहता है हमारा।
और ये खेल रहे हैं यहाँ पे हमारे बच्चे। इस ये देवरानी की लड़की है, ये भी मुझे मम्मी ही बोलती है, और ये मेरी लड़की है, मतलब ये दोनों एक साथ की है। हमारी दोनों बेटियाँ हमारी एक साथ की है, ट्विंस ही समझो, खाली 6 दिन का फ़र्क है दोनों में। और ये दोनों एक साथ खूब खेलते हैं, लड़ते भी बहुत हैं और खेलते भी हैं, और जब भी साथ रहने का मौका मिलता है खेलते रहते हैं। मुझे मम्मी बोलती है और बाबा बोलती रहती है कि मम्मी ये मुझे ऐसे कर रही है, ये मुझे ऐसे कर रही है। मम्मा ये मेरी फ्लावर बैग लिए है। कोई बात नहीं, भूली है ना आपकी। तब तक दिन का खाना बनाने का टाइम भी हो ही रहा है, और अब मैं दिन का खाना बनाती हूँ तब तक, क्योंकि ये कब लड़ती हैं और कब खेलती हैं इनका पता ही नहीं चलता। कभी भी लड़ाई हो जाती है और कभी भी खेलने लग जाते हैं। और ये है हमारा दिन का टाइम। लंच में मैंने बना रखा है चावल और हमारी फेवरेट आलू की तिचौनी, जो कि हमें बहुत पसंद है, और आज इस टाइम पे मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाया है, मतलब काफ़ी दिन हो गए थे नहीं बनाया था, और बहुत पसंद है हम सबको। और इसके साथ नींबू, दही या रायता या चटनी बहुत स्वादिष्ट होती है। और ये मैंने शिवांश के लिए बना रखी है लौकी की खिचड़ी, कुछ दाने चावल के भी डाल रखे हैं, बाकी लौकी है वो सारी, अगर खाएगा तो, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है उसकी। और यहाँ पर अभी सुला के उठे हुए हैं विधि को, रो रही थी वो तो बाल भी ऐसे ही रखे हैं। और कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताना कमेंट करके, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ज़रूर, और कमेंट करके भी बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और बने रहना मेरे साथ यूँ ही हर रोज़ एक नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय। और बोल मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सोए हैं अभी इस टाइम पे, मुश्किल से मैं कुछ बोलती हूँ तो उठ जाएंगे, क्या फ़ायदा। बाय बाय।